हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी स्नैपसीड ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। वह चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना समय को वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सब पता है, अपने गैलरी से सिंपल से पिक को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है अपना सिंपल सा पिक, जिसे अपन आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से एडिट करके कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग करने के लिए दोस्तों आपको सब पता है, अपने सिंपल से पिक को दोस्तों आपको शेयर करके ओपन कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। कुछ इस प्रकार से स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके स्नैपसीड ऐप के अंदर इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको राइट साइड से नीचे एक तरफ सेकंड नंबर ऑप्शन पेंसिल वाला आइकन नजर आ रहा है, सिंपली से उस पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा HDR स्केप का, सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको पीपल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है नीचे एक तरफ, तथा दोस्तों आपको इसकी फिल्टर स्ट्रेंथ का दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ से राइट साइड से थर्ड नंबर ऑप्शन अंडो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको HDR स्केप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रश वाला आइकन को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड से सेकेंड नंबर ऑप्शन इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने फोटो को जूम करना है, तथा कुछ इस प्रकार से HDR स्केप की वजह से आई डिटेल्स को दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने फोटो से क्लीन कर देना, अपने फेस स्किन एंड फोटो से कुछ इस प्रकार से क्लीन कर देना। केवल दोस्तों आपको इसको अपने बैकग्राउंड पर रख लेना, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए क्लीन कर देना है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे दोस्तों आपको बैकग्राउंड परसेंट एंड PNG फ्री में डाउनलोड किए मिलेंगे। जाइए और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चला लेना है, जिससे दोस्तों आपकी ये HDR स्केप की वजह से ये डिटेल्स कुछ इस प्रकार से क्लीन हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ एरो का ऑप्शन नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड वहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा विंटेज का, सिंपली से उसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको फुल्ली डिक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ से थर्ड नंबर ऑप्शन अंडो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अंडो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, विंटेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ब्रश वाले आइकन को सिलेक्ट करना है, फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से सेकेंड नंबर ऑप्शन इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको विंटेज को कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको 0 रख लेना है, तथा दोस्तों आपको अपनी फोटो को जूम करना, तथा कुछ इस प्रकार से विंटेज की वजह से आई ब्लैकनेस को दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए कुछ इस प्रकार से क्लीन कर देना है। चलिए दोस्तों, मैं इस ब्लैकनेस को क्लीन कर देता हूँ, फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाना, तथा विंटेज की वजह से आई ब्लैकनेस को क्लीन करना है। कुछ इस प्रकार से क्लीन कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ फर्स्ट नंबर ऑप्शन मिल जाएगा ट्यून इमेज का,
सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, कुछ इस प्रकार से 10 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, सेचुरेशन को आपको दोस्तों आपको डिक्रीज करना था कुछ इस प्रकार से 22 रख लेना है। तथा दोस्तों आपको अम्बाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे इंक्रीज करना है। तथा दोस्तों आपको 9 रख लेना है। हाईलाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आपको इंक्रीज करना है। तथा दोस्तों आपको 10 रख लेना है। कुछ इस प्रकार से ये सेटिंग रख लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने फेस को स्मूथ करने के लिए वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्ट्रेट का, सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको स्मूथ टू को सिलेक्ट करना है। तथा फेस स्पॉटलाइट को इंक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको 42 रख लेना। तथा दोस्तों आपको स्किन स्मूथिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आपको इंक्रीज करना है। तथा 81 रख लेना है। इस प्रकार से रख लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको फेस एंड स्किन को गोरा व्हाइट करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तथा दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्टिव का, सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। तथा कुछ इस प्रकार से सेलेक्टिव के ऑप्शन से कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको सर्कल बनाना है। तथा दोस्तों आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, सेचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है। तथा दोस्तों आपको स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज कर लेना है। कुछ इस प्रकार से इस सेटिंग से दोस्तों आपको अपने फेस एंड स्किन को दोस्तों आपको इस प्रोसेस से ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, सेचुरेशन को डिक्रीज करना है। तथा स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज कर लेना है। इस प्रोसेस से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से अपने फेस एंड स्किन को वाइट एंड गोरा कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, सेचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है। तथा दोस्तों आपको स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज कर लेना है। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फेस गोरा एंड वाइट हो चुका है। फिर दोस्तों आपको अपने लिप्स पर कलर टोन डालने के लिए दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तथा कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको सेचुरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेचुरेशन को 10 रखना है। तथा कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है। तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको लिप्स पर दोस्तों आपको ब्रश चला लेना, जिससे दोस्तों आपके लिप्स पर कुछ इस प्रकार से रेड टोन कलर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका HD क्वालिटी में ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग हो चुका है। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग में बस इतना ही। इसे HD क्वालिटी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको राइट साइड नीचे एक तरफ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली से उस पर क्लिक करना है। तथा दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, सिंपली से दोस्तों आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपका फोटो HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।